हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टेक्वोनियन। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है माकिवारा के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माकिवारा होता है क्या। तो ये होता है माकिवारा, ये एक तरीके का जो है पंचिंग बैग समझ लो। ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें कि आप पंचिंग वगैरह ब्लॉक्स वगैरह जो इसमें ट्रेनिंग करोगे। खासकर ये जो है कराटे में यूज़ होता है अधिकतर, आपने अगर मूवी वगैरह में भी देखा होगा तो इसे जो है माकिवारा कहते हैं। काफ़ी लोग को नाम नहीं पता होगा तो फिलहाल इसे जो है माकिवारा कहते हैं। और ये कराटे का जो है मतलब कि ओल्ड इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो इसको आज बनाते कैसे वो भी देखेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए एक लकड़ी जो कि कम से कम 6 मतलब कि आपके हिसाब से होना चाहिए। मेरा जैसे कि 5.6 हाइट है, हाँ तो 5.6 के आसपास ही है, तो मैंने इसको 6 फुट तक लिया है। ठीक है, इसको क्योंकि आधा मैंने अंदर ज़मीन में रखा है तो आपको ये चाहिए। और आप कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हो, फिलहाल मैं जो है कोकोनट का रस्सी यूज़ कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है, थोड़ा सा मतलब कि गहराई में थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है उस लकड़ी के हिसाब से कि वो टिके रहे। जितना गहरा करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आपको जो है लकड़ी लेके उसको अंदर रखना है। उसके बाद आपको जो है पंच करके टारगेट देखना है कि आपको कितना हाइट में चाहिए, आप कितना हाइट पे उसको रस्सी को बांधोगे। उसके बाद उसमें मार्किंग करके फिर लेके जाके उसमें हम रस्सी बांध देंगे। तो जहाँ पे मैंने मार्क किया था ये रहा, यहाँ पे मार्क और यहाँ पे मार्क। तो इसके अंदर पे ये जो मेरा कोकोनट वाला रस्सी है वो वाला जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी रस्सी थोड़ा सा मोटे में यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल था, दैट्स वाई मैं ये वाला कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा हार्ड भी है और थोड़ा सा चोट भी लगेगी, बट ठीक है, मेरे पास कोई भी नॉर्मल नहीं है। कल भी गिट्टी वाला था और आज भी ये रफ वाला है। तो चलो ठीक है, अब इसमें लगा के मिलता हूँ आपको। तो ये रहा कुछ इस तरीके से हो गया मेरा। यहाँ पे देखो मेरा ये काफ़ी ज़्यादा है बट ठीक है, एक पंच इधर मार सके, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको रख सकते हैं। दूसरे साइड मैंने जो है नॉर्मली ऐसे एक गांठ बांध दिया सिंपल सा, क्योंकि वो वैसे टाइट है, स्लाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको लेके चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने गड्ढा किया था, उसमें जो है इसको अंदर डाल के फिर उसको बराबर करेंगे। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी ये देखो ईंट वगैरह मैंने इसके अंदर डाल के फिर इसी से जो है दबा दिया है। और फिलहाल मैं इसको टेम्प्रेरी बना रहा हूँ क्योंकि इसको हमेशा यहाँ पे नहीं रख सकता, जाहिर सी बात है। मैं बस अभी एक वीडियो बनाना है उसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कुछ इस तरीके से और आपका जो है ये बन गया। और अगर आपको जानना है कि इसमें कौन कौन से ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, कौन से पंच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आएंगे।